नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पे। तो दोस्तों, आपकी KVS की रिगार्डिंग क्लास चल रही है और इसमें आपकी मैं हिंदी की क्लास दे रही हूँ। आपको हिंदी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको कराया जा रहा है। वैसे दोस्तों, कहने के लिए KVS की क्लास है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम, आपका कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हिंदी सब में देता है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। तो आपकी सब चीज़ में, हर में हिंदी आपका पूछता ही पूछता, और ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हिंदी को हल्के मत लिया करिए। जितना बाकी सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाएंगे, उतना ही आपको हिंदी भी नंबर दिलाएगी। तो हिंदी को अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। देखिए क्या लिखा है, दुनिया क्या सोचेगी। अगर आप ये सोचोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो दुनिया नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, बहुत आप हम लोग ऐसा कई काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे, अरे यार दुनिया क्या सोचेगी। और एक है ना कहावत, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये चार लोग कोई नहीं, समाज ही है। ठीक है, आप सोचिए उनके बारे में, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना काम ही करना छोड़ दीजिए। ठीक है, आप करिए काम। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइएगा, बा इज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। बा इज्जत में उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों कल की क्लास में भी मैंने बताया था, प्रत्यय और उपसर्ग, ये दोनों निकालने के लिए क्या, आपको उसका मूल शब्द हटा ले, आप उसका मूल शब्द निकाल लीजिए, आपको प्रत्यय उपसर्ग अपने आप मिल जाएगा। और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में नवीनता ले आए। तो चलिए, अब उपसर्ग मतलब आगे से ही जुड़ा होगा। चलिए इसका अगर हम मूल शब्द, बाइज्जत में अगर हम मूल शब्द निकाल लें, तो क्या इज्जत, इज्जत मूल शब्द निकल जाएगा और आपका बचेगा क्या, बा बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं बा किस ऑप्शन में है। देखिए, ए में दिया है बाई, सी में दिया है जत, बी बा और डी ईट। तो बा आपका किस में मिला, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यद्यपि बताइएगा, यद्य धन अपि, यदि धन अपि, याद प्लस अपि, यम धम अपि। तो दोस्तों अगर आपने यड़ संधि पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यदि धन अपि, क्या होता है, यदि धन अपि होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए बड़ी ई मिली है और यहाँ पे अ मिला है, और दोनों मिला के किसका निर्माण कर रहे हैं, आधा य का। तो क्या हो जा रहा है, द्य पे य रहा, तो यद्यपि आपको पता होना चाहिए, यड़ में, यड़ संधि में क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई के बाद यदि कोई भी यदि स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो क्या होता है, उसका य हो जाता है। और अगर उ और उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका व होता है। ये याद रखिएगा, ई और ई का क्या होता है, य होता है। ठीक है, और उ का क्या होता है, वह होता है। और अगर री आ जाता है तो उसका क्या होता है, र होता है, आधा र। हलंत र का मतलब क्या होता है, हलंत जब लग जाता है तो कोई भी अक्षर वो आधा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यद्यपि, यद्यपि आपका यड़ संधि का उदाहरण है, किस संधि का, यड़ संधि का। ध्यान रखिएगा, यड़ संधि का पहचानने का सबसे जो इजी, जो आसान तरीका होता है, वो इसमें आधे आधे शब्द आपको देखने मिलेंगे, या ऐसे आपको आधे शब्द देखने को मिलते हैं। तो जहां से टूटेगा वहीं से होगा। ठीक है, तो कौन सी संधि आपकी, यड़ संधि है इसमें। और ऑप्शन तब आपका, देखिए यद्यपि मैंने यहाँ करके दिखाया है, तो यदि धन अपि ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सही विकल्प पहचानिया पहचानना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा है। देखिए, दही, पुस्तक, अंगूठी, अंगीठी। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग देता है पूछने को, क्वेश्चन में दे दिया, और आपको अगर पता करना है तो आप उसका एक वाक्य बना लीजिए ना, जैसे हम लोग बात बात करते रहते हैं, तो हम भी अगर वाक्य प्रयोग में उसका देख लेंगे करके, तो उसकी क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्योंकि ऐसे कई शब्द होते हैं हमें याद करना कठिन हो जाता है। तो देखिए चलिए हम लोग नीचे शुरू करते हैं। अंगीठी क्या होती है, अंगीठी जलाई जाती है। क्या अंगीठी क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं ना, जलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। अंगूठी क्या, अंगूठी पहनी जाती है या पहनाई जाती है, तो अंगूठी भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पुस्तक क्या, पुस्तक पढ़ी जाती है ना दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया, आपकी स्त्रीलिंग हो गई।
तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दही दोस्तों, दही क्या है, लगा तो उसमें कई लोग सोचते हैं जो मात्रा लगी है, छोटी वगैरह की मात्रा आ रही है उसके हिसाब से लगा देते हैं स्त्रीलिंग। लेकिन दही क्या है, दही जमता है, दही जमाया जाता है, ठीक है, दही खाया जाता है, ऐसे देख लीजिएगा। तो दही क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए कह रहा है, शब्द में निम्नलिखित में कौन सी शब्द है, शब्द यहाँ नहीं दिया, शब्द था विद्यालय, विद्यालय शब्द था दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, विद्यालय शब्द था, ठीक है। विद्यालय शब्द में पूछ रहा है कौन सी संधि है ना, तो बताइएगा, गुण संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। तो दोस्तों विद्यालय, अगर आप विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे, विद्यालय बराबर क्या होता है, विद्याधन आलय, यानी विद्या का घर। आलय मतलब क्या होता है, निवास या घर, पर्यायवाची भी ऐसे आपको याद हो जाएगी ना दोस्तों। तो विद्या धन आलय, यहाँ देखिए आ के बाद ही भी आ ही जुड़ रहा है, और आपको पता है यदि अ आ इ ई उ ऊरी के बाद अ आ इ ई, मतलब कोई भी अ आ इ ई उ ऊरी आए, तो उसके स्थान पे उसका क्या, उसका ह्रस्व दीर्घ है, तो उसके स्थान पे क्या होता है, उसका हमेशा दीर्घ ही हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ, हमेशा दीर्घ, दीर्घ स्वर, यानी जैसे आपका आ हो गया, ई हो गया यानी बड़ी होगी, बड़ा उ हो गया, ठीक है, री बड़ा हो गया, ये सभी आपका लिया जाता है, ठीक है। तो क्या विद्या धनालय यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, तो कौन सी संधि, आ का हुआ है, ये क्या हो रहा है आपका, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है, हमेशा दीर्घ हो रहा है, तो कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको संधि, देखिए संधि बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैंने संधि एक पूरा प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, परीक्षा यान अकेडमी पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें संधि अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है, पूछा है सूर्य का पर्याय नहीं है, विकल्प चुनना है, सूर्य का पर्याय नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा है, ठीक है। बताइएगा, दिवाकर, रश्मि रथी, निशाकर, कमलाकर। तो दोस्तों देखिए, दिवाकर, रश्मि रथी, कमलाकर और आपके भानु, भास्कर, ये सब जितने हो गए सूरज, ये सब किसके पर्यायवाची, आपके सूर्य के हैं, दिवाकर, रश्मि रथी, कमलाकर। लेकिन निशाकर, निशाकर आपका किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, तो चंद्रमा का पर्यायवाची सूर्य का तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जैसे देख लीजिए, चंद्रमा का अन्य, ये निशाकर किसका है, चंद्रमा का है, और ऐसा आपका इंदु हो गया, निशा हो गया, निशा हो गया, निशापति हो गया, निशिपति होता है, निशाकर होता है, हिमांशु, हिमांशु हो गया, सुधा, सुधाकर हो गया, ये सब किसकी हैं, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ऐसे बहुत आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा जो कॉमन पर्यायवाची हैं, ये सब अक्सर पूछते रहते हैं। और अगर आप क्वेश्चन, आपको अगर आपको नहीं आता ना किसी एक का पता, तो आप एलिमिनेशन मेथड ट्राई किया करिए ना, आप सब चीज को हटाकर जो सही है उसको आप, वो आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपके यहाँ निशाकर हो गया, और बाकी सूर्य का जो, तो यहाँ तीन दिया है, ये दिवाकर, रश्मि रथी, कमलाकर और अन्य जैसे भानु, भास्कर, ये सब भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों। पर्यायवाची वगैरह अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, नहीं दोस्तों पूछा है, फिर वही बात हो गई, चलिए बताइएगा, पूजनीय, आदरणीय, पानी, सोचनी। तो दोस्तों देखिए, पूजनीय, पूजा प्लस नी, इसमें क्या लगा है, नी प्रत्यय लगा है, तो ये तो आपका है आदर प्लस नी, आदरणी बना है, तो इसमें भी आपका नी प्रत्यय लगा है। सोचनी, सोच प्लस नी, इसमें भी आपका नी प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे से जुड़ के क्या शब्द में नवीनता ले आते हैं, वो क्या होता है आपका प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी, पानी में आपका देखिए यही प्रत्यय, इसमें पानी नहीं लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो सही हो जाएगा, नी प्रत्यय पानी में नहीं लगा है। आगे बढ़िए दोस्तों, के कह रहा है, सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सही विकल्प चुनिए, सदैव में पूछ रहा है दोस्तों। देखिए चलिए इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, सदैव, वैसे भी ये सब ट्रिक के माध्यम से भी होता है, लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए, सदा प्लस एव, ठीक है, तो आ प्लस ए मिला और बन क्या रहा है, ए की मात्रा, ठीक है, ए हो रहा है। और जहां भी आपको दो मात्राएं दिख जाए, ऐसे दो मात्राएं जहां लगे वहां पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, ठीक है। जहां पे बड़ा, हमेशा बड़ा मात्राएं लगे, जहां आपको डबल मात्राएं दिख जाए वहां क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो सदा, सदैव में कौन सी है, वृद्धि संधि है। देखिए
इसका संधि विच्छेद भी ऐसे ही हुआ है, जैसे तथैव ले लीजिए, और भी ऐसे महा औषधि ऐसे सब में कौन सी रहती है जहां पे और, जैसे ए, ध्यान रखिएगा, ए और ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसका क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है, और ओ और ओ, ठीक है दोस्तों, ओ और ओ इसके बाद भी अगर कोई आएगा तो उसका भी क्या होता है, दीर्घ होता है, क्या होता है, हमेशा दीर्घ ही आता है, इसके बाद जो आता है उसका हमेशा दीर्घ ही लेते हैं, जहां डबल मात्रा दिख जाए वो वैसे भी वृद्धि संधि होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए, बताइएगा, जहां पे आकाश और जमीन के मिलने का आभास होता है उसको क्या कहते हैं, गोधुली, क्षीर सागर, धुंधलका या क्षितिज। तो दोस्तों गोधुली, गोधुली क्या होता है, गोधुली शाम का समय रहता है, और इसको गोधुली, जब शाम का समय जब सूर्य ढलने लगता है ना तो बोलते हैं गोधुली बेला बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे अक्सर, बहुत जो दोस्त हैं ये कॉमन वर्ड है गोधुली बेला सुने होंगे, ठीक है। इसको जानते हैं गोधुली क्यों कहा जाता था, गोधुली अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो गो प्लस धूली यानी गाय के धूल, शाम के समय जब गाय के पैरों से जो धूल उड़ती थी तो उस समय जो उस समय को इसी के नाम पे क्या रखा गया है, गोधुली रखा गया है, ठीक है दोस्तों। क्षीर सागर, क्षीर सागर आपने पुराणों में सुना होगा, विष्णु भगवान जी कहाँ पे निवास करते हैं, क्षीर सागर, क्षीर सागर यानी दूध का सागर, ठीक है दोस्तों। तो कहा गया है कि विष्णु जी अपनी सरसैया पे कहाँ निवास करते थे, क्षीर सागर यानी दूध के सागर पे। और धुंधलका, धुंधलका क्या होता है, धुंधलका ये सुबह सूर्योदय टाइम जब धुंधला टाइम रहता है, या सूर्यास्त के टाइम भी जब धुंधला होता है, या एक तरह से कहते हैं थोड़ा कोहरा टाइप वाला पन जो होता है उसे क्या कहते हैं, धुंधलका बोलते हैं। लेकिन आपका जो आंसर है क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आवास होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका है क्षितिज, क्षितिज क्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो छह पूछ रहा है, बताइएगा, क यानी आधा क प्लस छ, हलंत क प्लस छ, हलंत छ प्लस छ, हलंत च प्लस प। तो देखिए दोस्तों छ किससे बना है, छ बना है हलंत क प्लस स मिला के क्या बना है आपका, छ बना है। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हलंत इस पे भी हलंत लगा देगा और लास्ट में क्या कर देगा, अ लिख देगा, तो ये इसको पूर्ण कर देता है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये संयुक्ताक्षर होते हैं ना, और भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे त्र हो जाता है, त्र आपका कैसे मिलता है, आधा त धन र, ठीक है, त्र हो गया। और आपका ज्ञ भी होता है, ज्ञ आपका होता है ज होता है आधा, और इय, ठीक है, इय मिला के क्या मिलता है, पूरा ज्ञ बनता है, ठीक है। और फिर आपका एक होता है, एक सेकेंड, और फिर आपका होता है श्र, क्या होता है, श्र होता है, श्र से श्रमिक वाला, ये आपका किससे बनता है, ये आपका स मिल स आधा श ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला श रहता है, तालव्य स और र मिला के बनता है, ठीक है। र मिला के बनता है, तो ये आपके संयुक्ताक्षर होते हैं ना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एक संयुक्ताक्षर पूछा है, संयुक्त अक्षर पूछा है, तो अगला भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में कोई भी पूछ दे, तो ये चारों ध्यान रखिएगा दोस्तों। आधा का और स मिला के क्या बनता है, छ बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यतकाल, भूताभूतकाल। तो दोस्तों देखिए वर्तमान में क्या होता है, कार्य हो रहा है, मतलब अगर यहाँ होता अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी है तब तो वर्तमान काल होता, भूतकाल है, वैसे ये किसका, अब्दुल्ला में नमाज पढ़ी अर्थात वो नमाज पढ़ चुका है तो ये क्या है, भूतकाल है। अब भविष्य का, अब्दुल्ला नमाज पढ़ेगा तो भविष्य में चला जाता है, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, भूतकाल। और भूतकाल के वैसे हिंदी में कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, छह भेद होते हैं भूतकाल के, ठीक है, सबसे ज्यादा भूतकाल के भेद होते हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, सब होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप हमेशा याद करिएगा, भूतकाल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची पूछा है,
जटिल साधु वनिता। तो दोस्तों घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह होता है, गृह। घर का और पर्यायवाची आप याद करिएगा, आलय। अभी मैंने बताया था विद्यालय में आलय जुड़ रहा था। निकेतन, निकेतन, सदन, धाम, ये सब किसके होते हैं? धाम हो गया, एक घर दिया ही है आपका, धाम हो गया, ये सब किसके घर के हो गए। फिर आपका जटिल, जटिल मतलब क्या होता है? जटिल क्या होता है? ये गलत हो जाएगा, जटिल नहीं। आपका गृह जो है वो सही होगा। जटिल कठिन होता है, क्लिष्ट हो गया, मुश्किल हो गया, ये सब जटिल के पर्यायवाची हैं। साधु का क्या हो गया? सज्जन हो गया, सज्जन पुरुष बोलते हैं ना, साधु, सज्जन, ये सब हो जाएगा, महान, ये सब हो जाएगा, ठीक है। वनीता, वनीता देखिए जैसे पूछ लेता है, वनीता मैंने इसको क्या बोलते हैं? पत्नी। इसका इसका पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी। दारा, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी हो गया आपका, पत्नी, दारा, अर्धांगिनी, बहू, जितने भी शब्द दिए गए हैं पत्नी के लिए वो सब किसका? वनीता। वनीता भी आपका पत्नी, इसी का होता है, ठीक है। तो कुछ और भी इसी तरह याद करते चलिएगा। जैसे आपका इसमें घर का पूछा था, तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। सुख का विलोम बताना है दोस्तों, बताइएगा। कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होता है, आंसू होता है। देखिए दोस्तों सब एक तरह का दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सुख का हम कष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अब यहाँ सबसे सुटेबल जो लग रहा है हमें वो बताना है। तो सुख का आपका क्या? सुख का राइमिंग वर्ड्स भी एक जो उसका लय मिले, तो क्या सुख का पर्यायवाची क्या होगा? दुख। पर्यायवाची नहीं, सॉरी, विलोम पूछा है ना, तो विलोम क्या होगा? दुख। सुख का विलोम क्या होगा? विलोम दुख होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ है वो सही हो जाएगा। विलोम, विलोम पूछा है तो क्या होगा? सुख का दुख, परेशानी का आसानी हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। बहुवचन पूछा है दोस्तों। वह, जब हम वह बोलते हैं तो क्या होता है? एक, कोई एक ही होता है ना, कि वह जा रहा है। मैं, जब मैं खुद की बात करूं, अगर मैं बोलूं तो मैं तो एक ही हूं ना, तो ये भी आपका क्या है? आपका एक वचन है सब। लेकिन जब सब की बात होगी, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो सब में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा आपका, बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। सब, सब क्या है? बहुवचन है। और तुम भी क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? एक वचन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? तुम यानी एक वचन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, सी यानी सब। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ढ वर्ड किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको पता है पांच वर्ग होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं ना, तो बताइएगा किस वर्ग का है? क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग। अगर आपको क ख ग घ ङ आता है, क से ज्ञ तक, तो वैसे भी आप बता लेंगे। ढ वर्ग किस में आता है? ट में आता है ना। क्या होता है ट के बाद? ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ठीक है, ट, ठ, ड, अड़, ठीक है, ट ठ ड अड़ होता है ना। अगर क में दिख दे तो क वर्ग का क्या होता है? अब तो ये सब तो पढ़े ही है, क ख ग घ अंग, छ छ ज ज, और प वर्ग में प फ ब भ म हो गया, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। और लास्ट के जो वर्ड होते हैं, अंतिम के पाचों क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये आपके वो होते हैं पंचमाक्षर, अनुनासिक वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे क्रम पूछ लेता तो चौथे क्रम पे आता है ये, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ट वर्ग में आ रहा है। तो ढ वर्ड किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। ऐसे आप वर्ग समझ रहे हैं ना, उसमें से जो पूछे ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? वर्तनी पूछ रहा है, वर्तनी देखिए हमेशा पूछता है, वर्तनी बताइएगा। पारिचित, परचार, प्रचार, परिचार। तो देखिए दोस्तों क्या होता है? पारिचित कोई नहीं होता, ये गलत अशुद्धि वर्ड है, अशुद्ध वर्ड है। परचार भी गलत है और परिचार भी गलत है। आपका जो सही शब्द क्या है? प्रचार होता है। क्या होता है? प्रचार। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ है, प्रचार आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हिंदी में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का मेरा जो जितने क्वेश्चन लाए थे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। उस पे भी आपको समय समय पर अपडेटेड जानकारी मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।